बादाम के इन फायदों को जानकर हैरान रह जाएंगे आप। दोस्तों, बादाम का सेवन सेहत को काफी लाभ पहुंचाता है क्योंकि बादाम पोषक तत्वों से भरपूर होता है। लेकिन गर्मी के दिनों में लोग बादाम खाने से कतराते हैं क्योंकि बादाम की तासीर गर्म होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप गर्मी के दिनों में भी बादाम का भिगोकर सेवन करते हैं तो यह सेहत के लिए गुणकारी साबित हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बादाम को भिगोकर खाने से बादाम की तासीर सामान्य हो जाती है और गर्मी के दिनों में भिगोए बादाम का सेवन करने से शरीर को कई फायदे होते हैं, क्योंकि बादाम में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम इत्यादि जैसे तत्वों से भरपूर होता है जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं भीगे बादाम खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा, दोस्तों रोजमर्रा की छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल फीवर से बचने के लिए आपको बादाम खाना शुरू कर देना चाहिए। बादाम खाने से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे ये छोटी छोटी बीमारी जल्दी हमारे शरीर पर अपना असर नहीं दिखा पाती। और अगर आपको कफ हो गया है तो गर्म दूध में कुछ बूंदे बादाम के तेल को डालें और इसे पी जाएं और कफ की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा फायदा, हार्ट के लिए होता है फायदेमंद। बादाम दिल के लिए काफी अच्छे होते हैं। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से कम कर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि बादाम में एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो LDL कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकने में हेल्प करता है। बादाम के ये गुण हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, आप इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हेल्थ वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और किसी भी तरह का अगर सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तीसरा फायदा, वजन को कम करने में मिलती है मदद। इसमें प्रोटीन और फाइबर अधिक मात्रा में होता है और कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में, जिससे भूख कम लगती है और पेट भरा हुआ महसूस होता है। यह कैलोरी को कम करने में भी सहायक होता है जिससे वजन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। चौथा फायदा, एंटीऑक्सीडेंट से होता है भरपूर। दोस्तों, बादाम में खासकर एंटीऑक्सीडेंट का प्रभाव होता है। यह धूम्रपान करने या अन्य कारणों से बढ़े ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाली प्रोटीन की क्षति को कम कर सकता है। साथ ही कई अध्ययनों से यह भी पता चला है कि एंटीऑक्सीडेंट शरीर की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, अल्जाइमर रोग और नेत्र रोग संबंधित समस्याओं के जोखिम से भी बचा जा सकता है। पांचवा फायदा, दोस्तों बादाम खाने के कितने फायदे होते हैं इस बात को शायद आप सभी लोग जानते हैं और इससे जागरूक लोगों ने अपनी डाइट में भी शामिल कर लिया होगा। खाने में क्रंची और प्रोटीन से भरपूर बादाम में फाइबर और ओमेगा 3 भी होता है। टेस्ट के साथ ही हेल्दी गुड़ों से भरपूर बहुत ही लोगों को पसंदीदा ड्राई फ्रूट भी है, पर लोगों के बीच इसको लेकर कन्फ्यूजन है कि भीगे हुए बादाम ज्यादा फायदेमंद होते हैं या फिर सूखे हुए बादाम का सेवन ज्यादा फायदेमंद करता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भीगे बादाम ज्यादा ही फायदा करता है क्योंकि आसानी से पच जाता है और शरीर को संपूर्ण ऊर्जा भी मिल जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी और अच्छे जानकारी के साथ। धन्यवाद।